वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी .com.edu.net वाले डोमेन वेबसाइट की कैसे भी उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपना कारिनेक्स ओपन करना है और उसमें टर्मिनल आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको टाइप करना है होइज। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है, ध्यान रखना गाइस कि जो आपकी वेबसाइट है उसके पीछे .com.edu या .net जो डोमेन है उनके वो आने चाहिए। जैसे होइज twitter.com मैंने टाइप किया तो ट्विटर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कब स्टार्ट हुई थी, उसका टैग, फ़ोन नंबर, इन्फॉर्मेशन, फैक्स, सारी डिटेल्स तो उसकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर इसके जो होइस है, जो होइस टूल है, इसमें ये बताता है कि अगर आपको किसी वेबसाइट का चेक करना तो उसके पीछे डोमेन उसका .com.edu और .net रहना चाहिए। अगर कोई दूसरा होगा तो वो उसका नहीं कर पाएगा। सो गाइज, अगर आपको यहाँ पे गूगल का भी चेक करना है तो आप गूगल का भी कर सकते हो। तो सिंपल से आपको हुई कमांड डालनी है, उसके बाद आपका जो वेबसाइट है .com या .net जिसके पीछे ये वाले डोमेन आते हैं, तो आपको सिर्फ .com लिख देना है, उसके बाद एंटर कर देना है। जैसे मैंने google.com लिख दिया है। उसके बाद जो अगर इसके पास इसकी जो स्ट्रीट, जैसे हमारे ट्विटर की तो स्ट्रीट एड्रेस सब कुछ बता दिया था इसने, तो अगर इसके पास गूगल की वो भी होगी तो वो भी बता देता है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो। सो गाइज, बस यही थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें आप कार्लिनक्स की मदद से अपना सिर्फ एक कमांड की मदद लेकर या उसका यूज़ करके आप किसी वेबसाइट की बेसिक इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो। और ये बहुत आसान था टूल गाइज, अगर आपको किसी और वेबसाइट की करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू आर लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।